लोकसभा चुनाव का प्रचार जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, मुद्दे भी बदलते दिख रहे हैं। पहले दो दौर के चुनाव प्रचार में सरकार पर एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दा जोर पकड़ा, तो सत्ता पक्ष की तरफ से परिवारवाद का, फिर मुद्दा महंगाई बनाम मंगलसूत्र, शरिया बनाम रोजगार, विरासत बनाम विकास, होते होते अब देशभक्ति और सुरक्षा बनाम आतंकवाद पर पहुंचते दिखने लगा है। जी हां, कुछ ऐसी ही तस्वीर दिख रही है बीजेपी की आई नई लिस्ट से, जिसमें एकमात्र उम्मीदवार का नाम है, वो नाम है देश के जाने माने वकील उज्जवल निगम का। उज्जवल निगम के जरिए बीजेपी ने बड़ा दाम चला है। बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे मशहूर वकील उज्जवल निगम। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से उज्जवल निगम उम्मीदवार होंगे। कांग्रेस की वर्षा गायकवाड़ से मुकाबला होगा। मौजूदा सांसद पूनम महाजन का टिकट कटा है। जाने माने वकील है उज्जवल निगम, इन्होंने ही आतंकवादी कसाब को फांसी दिलवाई थी। राजनीति ये मेरे लिए नहीं है, लेकिन आपके माध्यम से सभी को बताना चाहता हूं कि मेरी कोशिश हमेशा ये रहेगी कि हमारा देश का संविधान, देश का कानून और देश की सुरक्षिता, ये मेरे प्रायोरिटीज रहेंगे। उज्जवल निगम ने सियासत में कदम रखते ही अपनी प्राथमिकताएं गिनानी शुरू कर दी। कानून ये श्रेष्ठ होना चाहिए, बलवान होना चाहिए, लेकिन आम आदमी पर कोई अंजाम नहीं आए इसके लिए कानून, क्योंकि हमारा भारत का कानून का एक बहुत बड़ा अहम प्रिंसिपल है, 100 गुनेगार छुड़ गए तो चल सकता है, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। देश की छवि आज जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक उचित तरह से बढ़ाई है, जिसके आधार पर आज पूरे विश्व में इंडिया का नाम सभी बहुत रिस्पेक्ट का आदर से लिया जाता है, और इसको पूरा क्रेडिट मैं हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी और उनके पूरे सहकारी को देता हूं। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट पर फिर से पूनम महाजन को ही टिकट दिए जाने की चर्चा थी, लेकिन पार्टी ने कुछ और ही फैसला किया है। लेकिन पूनम महाजन ने उज्जवल निगम को बधाई दी है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने कहा है कि 10 वर्षों तक एक सांसद के रूप में मुंबई उत्तर मध्य लोकसभा क्षेत्र की सेवा का मौका देने के लिए बीजेपी और प्रधानमंत्री को शुक्रिया। उज्जवल निगम अब चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और वो भी उस सीट से जिस पर पिछले 10 साल से पूनम महाजन सांसद रही है। वो पूनम महाजन से समर्थन मांगने के साथ साथ पीएम मोदी का भी आभार जताना नहीं भूल रहे हैं। मैं जरूर पूनम जी से मिलूंगा, और पूनम जी ने 10 साल इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट किया है, इसका मतलब साफ है कि पूनम जी को इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में पूरी जानकारी है। मैं उनसे सलाह मशवरा करूंगा और उनकी राय भी मैं जरूर लूंगा। उज्जवल निगम सियासत में भले ही नए हो, लेकिन वो देश का जाना माना चेहरा है। वो कई सालों तक महाराष्ट्र में सरकारी वकील रहे। 26/11 हमले में कसाब मामले से मशहूर हुए। 2009 से ही उन्हें Z+ सुरक्षा मिली हुई। 2016 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। निगम पर मराठी में फिल्म आदेश पावर ऑफ लॉ भी बनी। मुंबई का योद्धा अब संसद में पहुंचेगा। मुंबई वासियों के लिए, मुंबई वासियों पर हमला करने वालों के और देश पर हल्ला करने वाले आतंकवादियों के खिलाफ जिन्होंने प्रमुखता से लड़ाई लड़ी, ऐसे एडवोकेट उज्जवल निगम जी को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारी दी है। एक सच्चा मुंबईकर, मुंबई की सेवा करने वाला देशभक्त अब संसद में पहुंचेगा, इसका हमें सम्मान है। मैं तो आपके माध्यम से विरोधी दल से भी निवेदन करूंगा कि ऐसे सच्चे देशभक्त, समाज, देश, मुंबई वासी के लिए लड़ने वाले उज्जवल निगम जी की उम्मीदवारी घोषित होने के बाद वो अपना, अगर विरोधी पक्ष का उम्मीदवार है तो उसको वापिस ले और सर्वसम्मति से उज्जवल निगम जी पार्लियामेंट तक पहुंचना, ये देश हित में होगा, इस प्रकार का आह्वान करता हूँ। हम सबके लिए गर्व की बात है कि उज्जवल निगम जी पार्लियामेंट में जाएंगे, और जो आतंकवाद के खिलाफ उन्होंने लड़ाई हमेशा लड़ी है, उस लड़ाई की बुलंद आवाज अब पार्लियामेंट में उठाएंगे, और देश को पूरी तरीके से आतंकवाद से मुक्त करने का जो प्रधानमंत्री मोदी जी का मुहिम है, उसमें जोड़ीदार के रूप में हम सबके साथ काम करेंगे।
उज्जवल निगम कई हाई प्रोफाइल केस से जुड़े रहे और आरोपियों को सजा दिलवाई। 26/11 हमले में कसाब को फांसी दिलवाई। 1993 मुंबई बम धमाके केस से जुड़े रहे। गुलशन कुमार हत्याकांड केस से जुड़े रहे। प्रमोद महाजन की हत्या मामले में पैरवी की। शक्ति मिल्स गैंगरेप केस में आरोपियों को सजा दिलवाई। अब उज्जवल निगम पर जिम्मेदारी है कि वो मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट से बीजेपी की जीत की हैट्रिक लगाएं, क्योंकि इस सीट से बीजेपी की पूनम महाजन ने 2014 में कांग्रेस की प्रिया दत्त को हराया था। फिर 2019 में भी पूनम महाजन ने जीत हासिल की और इस बार भी उन्होंने प्रिया दत्त को ही हराया था। मुंबई की सभी 6 सीटों पर लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 20 मई को मतदान होना है।